तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकंड ईयर इतिहास मॉडल पेपर के बारे में, यानी कि जो आज का वीडियो होने वाला है वो बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए है और जो सब्जेक्ट है मॉडल पेपर का वो है हिस्ट्री यानी कि इतिहास फर्स्ट पेपर। ठीक है, जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम यानी कि बीए सेकंड ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए उनको एंड तक ज़रूर देखना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये सारे क्वेश्चन पिछले साल के हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो पिछले ईयर में या पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जिससे आपको एग्ज़ाम में आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस प्रकार आपको एग्ज़ाम देना है, किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो दोस्तों जो सेकेंड ईयर में जो क्वेश्चन आते हैं वो मल्टीपल नहीं आते, यानी ऑब्जेक्टिव नहीं आते, उसमें रिटर्न होता है यानी लिखित परीक्षा होती है जो कि आपको लिखना होता है। लेकिन जो बीए फर्स्ट ईयर है उसमें आप लोगों को जैसा मालूम मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कॉपी मिलेगी, उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि पिछले साल पूछे गए थे, हो सकता है एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, लेकिन फिलहाल रिपीट ना भी हुए तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा हाँ एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, क्या प्रोसेस है। तो ये सारी की आपको जानकारी होना ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो आप लोगों को प्रश्न पत्र मिलेगा, जो प्रश्न पत्र होगा वो फर्स्ट है, उसके बाद आप लोगों का सेकेंड होगा। तो आज के इस वीडियो में फर्स्ट की बात करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बनाऊंगा तो सेकेंड की बना दूंगा। ठीक है, तो सभी यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे अलग अलग यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन यानी कि इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, सभी यूनिवर्सिटी के एक जैसे नहीं हो सकते। अदरवाइज आप लोग सभी बोलने लगे बाद में कि सर जो आपने बताए थे क्वेश्चन आए नहीं, तो भाई मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आइडिया लगा सकता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों के पास कुछ टाइम रहेगा, किसी यूनिवर्सिटी में 3 घंटे का होता है, किसी में 3.5 घंटे का होता है। ठीक है, तो इसमें 3 घंटा दिया हुआ है और ये पूर्णांक आप लोगों को 70 का है, किसी में 100 का भी होता है। ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी में, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने यूनिवर्सिटी के मैनेज कर लीजिएगा, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, आपके कोई साथ का फ्रेंड है या यूनिवर्सिटी का कोई जान पहचान तो वहाँ से आप कन्फर्म कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन कुछ आप लोगों को इस तरह देखने को मिलेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो बलवन के राजत्व सिद्धांतों की विवेचना कीजिए व उन्हें प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रहा। आपने सुना होगा बलवन के नाम, क्योंकि ये सब आप लोगों के क्वेश्चन जो हिस्ट्री के हैं, तो जो स्टूडेंट 12th या 10th में हिस्ट्री पढ़े होंगे इतिहास, उन लोगों को शायद क्वेश्चन के बारे में नॉलेज होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वही सब हैं, थोड़ा एडवांस लेवल में आ जाते हैं वो सब, ये क्वेश्चन आप लोग 10th और 12th में पढ़े हुए हैं, क्वेश्चन और आंसर भी। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पर अथवा दिख रहा होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, आप सोचते हैं कि दोनों कर देते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये आपको दिख रहा है, ठीक है, एक ये दिख रहा है, तो यहाँ पर अथवा लग गया, तो मतलब चाहे आप ये क्वेश्चन करिए चाहे ये करिए, एक ही करना है, दो मत करिएगा, क्योंकि नंबर आपको एक ही के मिलने वाले हैं, तो फालतू में दो मत करिएगा। चाहे आप ये क्वेश्चन पढ़ के कर लीजिएगा एक नंबर, चाहे अथवा डाल के आप ये कर दीजिएगा। तो मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जो आप लोगों को समझ में आए कि हाँ इसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज है या मैंने इसके बारे में पढ़ाई की है, तो उसी का आंसर दीजिएगा। अलाउद्दीन खलजी की बाजार नियंत्रण नीति को समझाइए वह कहाँ तक सफल रही। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप दोनों में इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर हिंदी में दें, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी में देना चाहेंगे, क्योंकि हिंदी में वो अपना डीपली कुछ भी मेंशन करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये कितने नंबर का है, शायद इसमें मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन अगर मेंशन होगा तो मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा कितने कितने नंबर का होता है। तो एक नंबर ये क्वेश्चन है, दूसरा आ जाता है फिरोज तुगलक की उपलब्धियां तथा असफलताओं को ध्यान पूर्वक वर्णन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, फिरोज तुगलक की उपलब्धियों तथा असफलताओं का ध्यान पूर्वक वर्णन कीजिए, तो अथवा इसमें भी लगा है, इसके आगे भी एक क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मैं आपको ये बता दूँ पहले कि ये जो मेरी PDF ये सब आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर लिखा होगा संदीप इन्फो, वेबसाइट के नीचे sandeepinfo.blog.com, ठीक है, sport.com, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, वहाँ पर आप लोगों BA BSc की
आप लोगों को थंबनेल दिखेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिरोज के अथवा वाले क्वेश्चन की। तो ये जो अथवा करके है, विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए, अथवा करके ये क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे वो करिए चाहे ये करिए, आप लोगों को एक करना है, ठीक है, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अकबर की राजपूत नीति का वर्णन कीजिए। आई होप अकबर के बारे में आपने थोड़ा भी पढ़ लिया होगा, थोड़ा भी क्वेश्चन को समझ लिया तो अकबर के बारे में आई होप आपको पहले से पता होगा, बस आप डीपली लिख डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की धार्मिक नीति के विकास का निरूपण कीजिए। आप अथवा करके दो क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए, एक करना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, मराठा राज्य के संस्थापक के रूप में शिवाजी का मूल्यांकन कीजिए। अथवा करके दूसरा क्वेश्चन, मुगल कालीन स्थापत्य कला के विकास का वर्णन कीजिए। तो आप, आई होप आपने शिवाजी के बारे में पढ़ा ही होगा, बस आप लोगों को थोड़ा नॉलेज गेन करना है। अगर आपके मार्केट में सीरीज यानी आप लोग क्वेश्चन बैंक आ चुकी हैं तो उसे आप परचेज करके उसमें से आप पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उसमें से आप मिल जाएगा आप लोगों को, अदरवाइज गूगल तो है ही, उससे भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करिए। अथवा करके मुगलों के अधीन सामाजिक जीवन की विवेचना कीजिए। तो बस इसमें से आपको एक करना है, यानी कि आप लोगों के सामने दो क्वेश्चन रहेंगे, एक ही को करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक ही करना, चाहे पहला करिएगा चाहे मुगल चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आई हुआ होगा लगभग, इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे, यानी पांच थे, पांच में आप लोगों को पांच क्वेश्चन थे, और पांच में आप लोगों के एक क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन आप लोगों को ऑफर था, ऐसा भी कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चन थे जिसमें से आपको पांच मस्ट हैं जो कि करने हैं, ठीक है, अथवा करके दिया गया है। किसी भी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, किसी में 6 क्वेश्चन हो जाए, 7 क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आप लोगों को अथवा करके ऑप्शन मिल जाएंगे तो आप लोगों के पास चांस हो जाते हैं कि हाँ भाई, दो क्वेश्चन, एक नहीं आता तो एक आता है, जिसको कर लेंगे। तो 10 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से अथवा करके, यानी कि टोटल मिला के, तो जिसमें से आप लोगों को 5 तो करने ही होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे? फिलहाल मैंने इतने क्वेश्चन बना दिए हैं और आप लोग समझ लीजिएगा ये अच्छे से, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और इस क्वेश्चन की जो PDF है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। कहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा? मैंने अभी बता दिया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ से पहुँच जाइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप पढ़ लेंगे, इतने जितने मैं बता रहा हूँ इतने पढ़ लेंगे तो आप लोगों को आई होप 2-4 क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आप और भी पढ़ाई करिएगा, ये भी मत करिएगा कि सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, उसका 100% रिप्लाई देते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साइड में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप कुछ भी अपडेट चाहते हैं, कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल भी है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उससे ज्वाइन हो जाइए, आप हमेशा के लिए मुझसे ज्वाइन रहेंगे तो मैं आप लोगों को जो भी अपडेट होगा वो पहुँचाता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही है, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र बताने वाला हूँ, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा, जल्दी वीडियो उसकी भी आ जाएगी। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।